देखो पूरे हिंदुस्तान दे विच टैररिज्म दे उत्ते बड़ी वड्डी कमी आई। जम्मू कश्मीर दे विच रोज़ जवानां ते हमले होंदे सी जिहड़े मातृभूमि दी सीमावां दी रक्षा करदे होए जांदे सी ते उहनां नूं शहीद कर दित्ता जांदा सी। रोज़ साढ़े हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के बने तिरंगे झंडे का अपमान होता है। 370 तारा हटन तो बाद तुसी पिछले 6 या 7 या 8 साल से देखा होगा टैररिज्म के उत्ते बड़ी वड्डी कमी है। जो अमृतसर की धरती से आना कंपनी बाग के कोलों निकलदा जिथे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी का राज सी, काबल कंधार तक उन्हों की फौज के जरनैल सिंह सरदार हरी सिंह नलुआ जी तो मावं उदो कहिंदियां सी काबल कंधार च नलुआ आ गया बच्चे सो जा, वो एक शेरे पंजाब सी महाराजा रणजीत सिंह। अज जाके तुसी कैमरा लै जाओ देखो उन्हां दा स्टैचू सुंदर महान सिर चुकदा, तुसी थले आस पास देखो एडे एडे वड्डे घा उगे ने। यह साडी अज दी पंजाबीयत दा साडे पंजाब दे कुछ पॉलिटिशियनां ने कुछ धर्म दे ठेकेदारां ने यह सानू विरासत नूं कित्थे लैके आ गए। अज असीं मंगदे आ खालिस्तान, खालिस्तान की गल करन वाले नूं एक सवाल पुछना चाहुंदा तुसीं किहड़ा खालिस्तान चाहते हो? रोज अरदासां हर गुरुद्वारा साहब हुंदियां, ग्रंथी साहब हैड ग्रंथी साहब हाथ जोड़ के गुरु महाराज जी अगे सिर झुका के कहिंदे ने साडे विछड़े गुरुद्वारे साहब सानूं देना। विछड़े का मतलब करतारपुर साहब ननकाणा साहब ये सानूं देना, ते असीं अपने रकाबगंज साहब कुरुखेतरा दे गुरुद्वारा साहब असीं बंगड़ा साहब असीं शीशगंज साहब असीं पटना साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर महाराज का वो जन्म स्थान, उस तो बाद नदेड़ साहब जिते गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, और उस तो बाद गुजरात की वो धरती लखपत साहब जिते गुरु नानक देव जी महाराज दियाँ श्री चंद जी साहबजादे दियाँ चरण ने उत्थे खड़ावां ने कि तुसीं सानू ग्वालियर जिते दिवाली देना दिनों दे 52 राजियां नूं साडे गुरु महाराज ने छुड़वाया सी कि उत्थे जाण लई तुसीं सानू पासपोर्ट राहीं भेजना चाहुंदे हो। सानू हर पासे चौधर दी भुख है, चाहे धर्म दे विच होवे चाहे राजनीति होवे। आम आदमी दम दे पल दी खबर नहीं, असीं गुरु महाराज दी सोच ते चले, साडियां गलतियां नाल प्रोड्यूसर आपरेशन होए, साडे लोकां दीआं गलतियां दे नाल पंजाब दे विच 36,000 भैणा दे सुहाग उजड़े, 36,000 लोग शहीद हुए जिन्हां दे विच 19,000 हिंदू भरावां दा कतलेआम होया। साडा रोटी बेटी नौ मास दा रिश्ता सी, ये की करते ने रोज़ खालिस्तान जिंदाबाद कि खालिस्तान मिल गया। पूछना चाहना 30 साल 35 साल 36,000 बेगुनाह का कतलेआम करने तो बाद कि खालिस्तान मिल गया? इन्हों मैं सवाल पूछना चाहना, तुम 36,000 बेगुनाह का कतलेआम किया, सिख कौम का ना की है? मानवधारी रखे भाई कन्हैया जी कौन सन? गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी फौजा के सेवक सन, दुश्मन से, दुश्मन के उत्ते मलम पट्टियां करते, गुरु महाराज को शिकायत लाते हैं, ये तो दुश्मनों मलम पट्टी करी जाते, फिर कृपाना फड़ लेंगे। पूछा जाता उन्होंने सवाल कहते मैंने हर दुश्मन के गुरु महाराज मजरूम च नजर आता, किसी बोलने की हिम्मत पहला तुम गर्म भाषण दे के मावा के लाल हाथ फड़ा के बंदूकों उन्होंने मरवा दिया। वो मावा के लाला के कोई फ्यूचर सन? वो मावां ने अपने बच्चों को पेट तो जन्म दिता, वो मावां ने पुत्रां ने धर्म का प्रचार करना सी, देश की पंजाब की सेवा करनी सी, तुसीं भड़काऊ भाषण दे के उन्होंने मावां के लाल हजारां मरवा दिते, 36,000 लोग अलग मरवा दिते, शहीद करवा दिते, ते हुण तुसीं नवें आ गए। फिर पहले दसो पंजाब के साडे को बचिया की है? आ साडा राजपुरा, आ साडा बठिंडा, 100-100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का फासला, आ साडा पठानकोट अगे जम्मू आ जाता। तो मैं पूछना चाहना भाई कि खालिस्तान चाहते हो? कि मुंडिया कि रस्ते पाना चाहते हो? मैं सवाल पूछना चाहना, तुसी फिर मावा दे लाल तुसी मरवाना चाहते हो? पंजाब दे साडे किसान बजुर्ग पिता समान दो दो एकड़ जमीन बेच के पंजाब से जो नारको टैररिज्म फैलिया नशा फैलिया, ये भी असी राजनीतिक लोग जिम्मेदार हाँ? असी जे इलैक्शन जितते हैं साड़ी जिम्मेदारी इन्हों खत्म करना।
अमृतपाल का मैं एक भाषण सुन रहा हूँ, कहता लाले लूले हिंदुओं नू लाले लूले, तो ईसाई धर्म के बारे माड़े शब्दों का इस्तेमाल करता। बिल्कुल एक गल ठीक है, धर्म परिवर्तन पंजाब दे विच हो रहा है। कमी किहदी है? कमी धर्म के प्रचारकों की कमी है। असी कृपाना हर चौथे दिन कढ के खालिस्तान के नारे मार के, जे असी ओह टाइम धर्म के प्रचार नहीं लाते तो किहड़ा धर्म है जिहड़ा साडे च नहीं आना चाहुंदा। मैं एक सवाल पुछना चाहुंदा, ये खालिस्तान की मंग करने वाले नूं कहना चाहुंदा, ये पाकिस्तान के टुकड़िया के पलन वाले चंद खालिस्तानियों नूं कहना चाहुंदा, जिहड़ा पाकिस्तान जिन्हें शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह के स्टैचू जिहड़ा काबुल कंधार तक राज सी उन्हां दे शरीरां दे टुकड़े टुकड़े कर दिते स्टैचू दे, कित्थे सी तुसीं? कित्थे गई तुहाडी सरदारी? कित्थे गया तुहाडा पवित्र सिखिज़म? ग्रंथ साहब विराजमान ग्रंथी जी उन्हां दी बेटी नूं किडनैप कर लिया गया। एक काफर ने कह दिता ननकाणा साहब का नाँ बदल देंगे, कोई उत्थे नहीं बोलिया, चुप्पी तारी रखी। पंजा साहिब जुत्ते पा के सिर तो नंगे सिकटा बीड़िया हो सकदियां हरिमंदर उत्थे चले गए, पंजा साहब के अंदर वड़ गए, कोई नहीं बोलिया। कोई अखा तो खोलीए, दिमाग तो खोलीए, काबुल कंधार गुरु ग्रंथ साहब विराजमान इतिहासक स्थान, कई बारी आए आतंकवादी आके गोलियां दे नाल मावां भैणां दे बजुर्गां दे कतलेआम कर दिता, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान। अखीर ते हुण इक सरदार साहब जागे काबुल कंधार तों, कहता मैं मर जावां तां मर जावां पर मैं गुरु ग्रंथ साहब ते आज ना देवां, ना पानी पीता ना रोटी खाधी। सिर ते गुरु ग्रंथ साहब नूं सजाया ते हिंदुस्तान दे विच लै के आए, इहनूं कहिंदे ने पवित्र सिक्खी। चौधर की भुख ने ही पंजाब नूं बर्बाद किया। पहला सवाल तो तुहानूं फिर यह सवाल देना चाहुंदा, चाहे धर्म की ठेकेदारी होवे चाहे राजनीतिक होवे, यह चौधर की भुख ने ही पंजाब नूं तबाह किया है। साडे निजी स्वार्थ ने पंजाब नूं तबाह किया। जदों ईसाई धर्म के उत्ते हमले होए, उन्होंने सारे नूं बुला के ईसाई धर्म के खालसा पंथ के जथेदार साहब नूं मीटिंग कीती, भी नहीं धर्म परिवर्तन नहीं होना। उन्होंने कहा भी नहीं, ये नहीं होएगा। इनू कहते एक मानवता, उन्होंने गलत बयान नहीं कुछ दिता, पर असी वक्रे वक्रे हर व्यक्ति धर्म का ठेकेदार बन गए थे। अकाल तख्त साहब ने भी असी पिछले छड़ दिया। ये बड़े वे सवालों के जवाब ने जेड़े धर्म के अच्छे प्रचारक ने, जेड़े व्यक्ति ने लुचे सौदे के खिलाफ सिरसे के विच बड़ा वड्डा समागम किया, सिख कौम का अमृत छकाया, लखां लोगों का कट किया, कोई पोलिटिकल पार्टी कोई धर्म का जिम्मेदार व्यक्ति ने उत्थे कुछ नहीं किया। उन्होंने किया मानसा के चले जाओ, तुम पैथू सारा देख लो, मालवा देख लो, मुक्तसर देख लो, फरीदकोट देख लो, जिथे उत्थे उहदा पूरा इकट्ठ हुंदा सी लुट्टे सौदे का, पूरा इकट्ठ करके सिख कौम उत्ते सजाया। इहो जिहे बंदिआं नूं तो तुसीं माड़े शब्दां दा इस्तेमाल करदे हो, तो सिख कौम नूं असीं किथे लै के जा रहे हां? पाकिस्तान के नाल मिल के जिहड़ा दो ड्रोन राही हथियारों नारको टैररिज्म तुहाडी पंजाब की जवानी नूं बर्बाद कर रहे हैं, तुहाडे पंजाब के मुंडिआं नूं बर्बाद कर रहे हैं, निछेड़ी बना रहे हैं, वो पाकिस्तान के तुसीं गीत गाउंदे हो, वो पाकिस्तान दी तुसीं गल्लां करदे हो, किथे दी तुहाडी सरदारी किथे गई? मैं सवाल पुछना चाहुंदा। चौधर की भुख ने पंजाब नूं बहुत सारे नुकसान, वो भी 30 सालों के लगे ने खालिस्तान बन गया। पहला तुहानूं सवालों के जवाब दे चुका हाँ कि खालिस्तान लै लिया इन्होंने 30 साल 36,000 बेगुना लोगों मरवा के मावा दे नाल फिर कहांगा गोलियां बंदूकों हाथ फड़ा के खालिस्तान लैन लई अपने तुसी सारे ने अपने घर के घर भर ले, ते पंजाब तो निकल के अमेरिका कैनेडा पाकिस्तान कित्थे कित्थे जाके तुसी बड़िया वड्डिया प्रॉपर्टियां बना लिया, ते मावा दे नाल मरवाते इत्थे इत्थे तुसी छड़ते आ बाहर भज गए, कोई पाकिस्तान भज गया, कोई कनेडा भज गया, कोई जर्मनी भज गया, कोई फ्रांस बन गया। परमजीत सिंह पंजवड़ अमृतसर का सी, अपने मुंडे की शायद किड्डी किड्डिया सोहनिया कोठिया च रेंदे ने, ते मावा दे लाल तुसी मरवाते। अमृतपाल ये तेरे बयान दे नाल पंजाब तो बाहर सिखां ते भरावां ते की असर पएगा? कि तेरे बयान दे बाद पूरी दुनिया दे विच जिहड़ा ईसाई धर्म है जिहड़ा सानू इज्जत करता सिख धर्म नूं नमस्तक करता है उहनां ते की असर पएगा? करी सोचिया? सोचण तो बगैर कुछ भी कर जाना और बाहरले समाज के उत्ते ना सोचना कि साडे भैण भरा बाहर भी बैठे ने, इस तो वड्डी चीज़ कुछ नहीं हो सकती।
बंब तुम 40-40 किलो आरडीएस चलाते, मेरे तो 40 किलो आरडीएस भुलर ने चलाया, दिल्ली 45 किलो अमृतसर चलाया, 70 बंदे मेरे नाल शहीद हो गए, लत्तां मेरिया चली गई, मैनू अपना परवाह ही नहीं, मेरे जवान शहीद, उन्हां दा की कसूर सी, रस्ते जांदे रहिंदे लोकां दा की कसूर सी, जिहड़े रस्ते च कारां च ट्रकां च जा रहे उन्हां दा की कसूर सी, तुसीं मार दित्ते, ओह बाबे शेर बन गए, मौत दे सौदागर नहीं सी, उन्होंने लोगों को मारिया, बेगुनाह लोगों को मारिया।